नमस्कार, ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर दो चार वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देखिए। उनमें बहुत से जो सेंटेंसेज जिनको हमने अलग पैटर्न में ट्रांसफॉर्म किया है, अर्थात उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को असर्टिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है और शायद आपको भी ये चीज़ पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम किसी सेंटेंस को उसके मीनिंग में चेंज किए बगैर उसका रूप बदल देते हैं, उसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं, उसका पैटर्न बदल देते हैं, उसका वर्ड ऑर्डर बदल देते हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। हम किसी भी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं लेकिन उसके मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। ये मीनिंग में चेंज किए बगैर किसी सेंटेंस को दूसरे रूप में लिखना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब भी किसी सेंटेंस को मीनिंग में चेंज किए बगैर उसके रूप को दूसरे रूप में बदल कर लिखना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस वीडियो में हम आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे उनको लिखते हैं, ये सब सीखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं बहुत से एग्जांपल्स के माध्यम से कि किस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनके द्वारा हम अपने जो हृदय की जो सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले वॉट होता है, उसके बाद इंडेफिनेट आर्टिकल होती है। इंडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए और एन, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में जिक्र किसका हो रहा है, मीन्स ह्यूमन बीइंग का हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग का नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ से पता चलेगा हमें? ये नाउन बताएगा। ये यहाँ से हम पता करेंगे कि ह्यूमन बीइंग का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ह्यूमन बीइंग का जिक्र नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कोई नॉन ह्यूमन थिंग है, तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे, हमारा जो असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे उसको शुरू करेंगे इट इज़ ए वेरी से। उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग है तो फीमेल होगी, तो अगर ह्यूमन बीइंग है और वो फीमेल है तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे सी इज़ ए वेरी से। और अगर ह्यूमन बीइंग है और मेल है तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे ही इज़ ए वेरी से। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनके द्वारा हम सीखते हैं। जैसे व्हाट ए डार्क नाइट, हमारा सेंटेंस है व्हाट ए डार्क नाइट। यहाँ पे देखिए नाइट है, तो नाइट का मतलब ये नाइट जो है ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तो हम सेंटेंस कहाँ से शुरू करेंगे? इट इज़ ए वेरी से। तो हमने स्टार्ट किया इट इज़ ए वेरी से और उसके बाद लिख दिया डार्क नाइट। तो देखिए व्हाट ए, ये आप मान लीजिए कि व्हाट ए, इस व्हाट ए को मैंने बदला इट इज़ ए वेरी में, ठीक है। और उसके बाद जो भी बच गया वो मैंने लास्ट में लिख दिया। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जिक्र किसका हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग का हो रहा है, तो मैंने इट इज़ वेरी चूज़ किया। अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होता और मेल होता सो सी इज़ ए वेरी, सो ही इज़ ए वेरी लेता मैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होता है और फीमेल होता तो मैं सी इज़ ए वेरी लेता। और उसके बाद ये व्हाट ए को मैंने चेंज किया है इट इज़ ए वेरी में, और उसके बाद जो बच गया था डार्क बच गया और नाइट बच गया, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? लड़की का, अर्थात लड़की होगी तो कोई ह्यूमन बीइंग होगी, तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे सी इज़ ए वेरी से, ठीक है। तो सी इज़ ए वेरी मैंने कहाँ लिखा? व्हाट और आर्टिकल की जगह, जो व्हाट और आर्टिकल की जगह है यहाँ इसकी जगह मैंने लिखा सी इज़ ए वेरी। और जो बच गया, क्या बच गया? इंटेलिजेंट गर्ल बच गया, वो मैंने लिख दिया बाद में। ये देखिए तो ये हमारा सेंटेंस बच गया, बन गया सी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद देखिए व्हाट ए क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? बॉय का। तो हम सेंटेंस कहाँ से शुरू करेंगे? ही इज़ ए वेरी से। तो ही इज़ ए वेरी लिखा मैंने, व्हाट और आर्टिकल की जगह मैंने ही इज़ ए वेरी लिखा, और उसके बाद जो बच गया अर्थात क्लेवर बॉय बच गया, तो क्लेवर बॉय लास्ट में लिख दिया। तो इस प्रकार जो भी सेंटेंस होते हैं जो व्हाट से शुरू होते हैं और स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये होगा व्हाट होगा, व्हाट के बाद इंडेफिनेट आर्टिकल होगी और उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम ऐसे जैसे अभी हमने सीखा ऐसे उनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो व्हाट से शुरू होते हैं, व्हाट के बाद एडजेक्टिव भी होता है, उनके बाद नाउन भी होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब भी लिखी होती है।
तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे, जो ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद ये वर्ब लिखेंगे, ये वर्ब लिख दी। उसके बाद हम ए या एन आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद हम वेरी का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, देखिए नाउन से पहले अगर ये एडजेक्टिव है तो हम यहाँ वेरी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो एडजेक्टिव और नाउन ये है, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, इसको हम लिख देंगे। ये नाउन जाएगा यहाँ इधर, ये एडजेक्टिव यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर दिस कॉफ़ी हैज़। तो देखिए ये व्हाट है, ये आर्टिकल है, ये वो एडजेक्टिव रहा, ये वो नाउन रहा, ठीक है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट रहा और ये यहाँ पे वर्ब रही। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है? दिस कॉफ़ी। तो सबसे पहले लिखा दिस कॉफ़ी, उसके बाद वर्ब लिखी हैज़, उसके बाद ए आर्टिकल लगाया, उसके बाद वेरी लगाया। क्वेरी क्यों लगाया? क्योंकि इस नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वेरी लगाया, उसके बाद जो एडजेक्टिव और नाउन था, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ये हमने लास्ट में लिख दिया। अगर मान लीजिए व्हाट से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें व्हाट के बाद इंडेफिनेट आर्टिकल आ रही है और उसके बाद जो नाउन आ रहा है उससे पहले एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अभी तक तो क्या था, नाउन से पहले एडजेक्टिव था, लेकिन अभी आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं तो आपको, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, हम इनमें से ही देख लेते हैं। तो देखिए ये अभी जो सेंटेंस होगा, जैसे व्हाट मिलेगा, ए भी मिलेगा, ए और एन जो भी है ये मिलेगा, और ये नाउन मिलेगा सीधा, ये नहीं मिलेगा, ये एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। अब जो हम सीख रहे हैं उनमें, तो उसमें क्या करेंगे, हम अपना सेंटेंस वैसे ही शुरू करेंगे, इट इज़ ए वेरी से, सी इज़ ए वेरी से, या ही इज़ ए वेरी से। अगर कोई नॉन ह्यूमन थिंग है तो हम क्या करेंगे, इट इज़ ए वेरी से सेंटेंस शुरू करेंगे, और अगर ह्यूमन बीइंग है और मेल है तो ही इज़ ए वेरी से शुरू करेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग है और फीमेल है तो सी इज़ ए वेरी से शुरू यहाँ पे। अगर हम जो व्हाट के बाद अगर इंडेफिनेट आर्टिकल है और उसके बाद कोई नाउन है और वो नाउन अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वेरी यूज़ करते थे ये वेरी नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम इन शब्दों में से लगाएंगे या कोई जो भी मीनिंग के अनुसार उचित वर्ड लगता है वो लगाएंगे, ठीक है। जैसे ग्रेट, क्लेवर, लोनली, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, स्मार्ट, स्ट्रेंज और पिक्यूलियर और ब्यूटीफुल वगैरह ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लेवर, स्मार्ट तो हो गया, मीनिंग के अनुसार, कुल मिला के मीनिंग के अनुसार जो भी होगा ना वो हम लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट ए बॉय। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है इसके बाद में एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लड़के का जिक्र हो रहा है तो हम ही इज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ही इज, यहाँ पे हम कोई ना कोई मीनिंगफुल जो है एडजेक्टिव वो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ही इज, यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे करेंगे। व्हाट ए बॉय, तो हम लिखेंगे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। कोई भी मीनिंगफुल एडजेक्टिव यहाँ इस नाउन से पहले हम लगा देंगे, तो यहाँ पे एन आएगा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर देखिए व्हाट ए मूवी, ठीक है, तो मूवी है तो हम लिखेंगे इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ पे हम वेरी तो नहीं लगाएंगे, खैर इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी ये लगा देंगे, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो लगाएंगे, अगर नहीं भी है तो भी, जैसे व्हाट ए मूवी है, मूवी से पहले एडजेक्टिव नहीं है, व्हाट ए बॉय, बॉय से पहले एडजेक्टिव नहीं है, तो मीनिंग के अनुसार कोई भी हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे व्हाट ए बॉय की जगह से भी कह सकते हैं ही इज़ ए क्लेवर बॉय, ही इज़ ए हैंडसम बॉय, ही इज़ ए स्मार्ट बॉय, ठीक है, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऐसे भी हम कुछ भी सूटेबल मीनिंग के अनुसार जो सूटेबल एडजेक्टिव है वो लगा देंगे। इस तरह से नॉवल है, व्हाट ए नॉवल, तो हम कहेंगे इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ठीक है। तो हम ऐसे असर्टिव सेंटेंस बना देंगे उसका। आगे देखिए ओ दैट, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ओ दैट से शुरू होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम असर्टिव बनाते हैं तो आई विश से शुरू करते हैं। जैसे ओ दैट आई वर यंग अगेन,
तो हम आई वो दैट है उसका आई विश बना देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। ये हो जाएगा आई विश आई वर यंग अगेन। अगर कोई सेंटेंस ओ फोर से शुरू है तो हम देखिए कैसे करेंगे, आई विश और आई हैड यहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे। जैसे ओ फोर ए कप ऑफ टी, ये सेंटेंस देखिए ओ फोर ए कप ऑफ टी, तो इसको जब हम बनाएंगे असर्टिव तो ये बन जाएगा आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी। ठीक है, तो ओ फोर को हमने क्या बनाया, आई विश आई हैड, और फिर आगे जो बच गया वो लिख दिया ए कप ऑफ टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई विश फोर ए कप ऑफ टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। आगे देखिए इफ़ ओनली, अगर कोई सेंटेंस इफ़ ओनली से शुरू होता है तो वो आई विश से शुरू करते हैं जब उसका असर्टिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इफ़ ओनली आई वर रिच, तो हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे असर्टिव में, तो स्टार्टिंग करेंगे आई विश से, आई विश आई वर रिच। हमने सिर्फ इफ ओनली को आई विश में चेंज किया है, इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। आई विश आई वर रिच, आई वर रिच ऊपर भी था एज नीचे भी हमने यू का लिख दिया आई वर रिच, सिर्फ इफ ओनली को आई विश में चेंज किया है। आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हाउ होता है, हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब होती है, तो इनको जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो जो लास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम वेरी यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करते हैं। यहाँ वेरी से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, तो यहाँ पे जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लास्ट में जो सब्जेक्ट था द बॉय उसको हमने सबसे पहले लिखा, फिर वर्ब लिखी इज, उसके बाद वेरी लगाया और उसके बाद इंटेलिजेंट लगाया। यहाँ पे सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता गया, यहाँ पे हम इंडेफिनेट, यहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बता दिया है आपको, यहाँ पे आर्टिकल मैं बोल गया शायद गलती से, तो यहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आगे नाउन नहीं है। ठीक है, अगर आगे नाउन होता तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो अब आर्टिकल यूज़ करेंगे तो किसके साथ करेंगे, नाउन तो है ही नहीं लास्ट में, तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे। मैं शायद इसके बारे में आपको गलत बता गया यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस देखिए हाउ शेबिली यू हैव डन योर होमवर्क, तो देखिए हाउ शेबली यू हैव डन योर होमवर्क, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये देखिए ये हाउ हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले इन चीज़ों को लिखेंगे और इस सेंटेंस से वो असर्टिव बनेगा, तो हम ये हो जाएगा यू हैव डन योर होमवर्क वेरी शेबली। हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए हाउ है, हाउ के बाद में एडजेक्टिव है, और जब हाउ के बाद एडजेक्टिव हो और हाउ के बाद एडवर्ब हो तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे अपने इस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद वाले नाउन से। ठीक है, और पूरा लिख देंगे लास्ट में जितना भी इस तरफ सेंटेंस है वो सारा लिख देंगे, उसके बाद वेरी लगाएंगे अपनी मर्ज़ी से, और हाउ के बाद जो एडजेक्टिव है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये भी बड़ा आसानी है, ये हाउ हो गया, ये एडवर्ब हो गई, तो सेंटेंस शुरू करेंगे जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसके बाद जो नाउन दिया गया है वहाँ से, नाउन या प्रोनाउन दिया गया वहाँ से, तो हमने सेंटेंस शुरू किया यू से, तो पहले ये लिखेंगे सारा। ठीक है, लास्ट तक होमवर्क तक, तो होमवर्क तक हमने लिख दिया, उसके बाद वेरी लगाया, और उसके बाद लास्ट में जो हाउ के बाद जो वर्ड बच गया जो भी है एडजेक्टिव है एडवर्ब है वो लिख देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा शेबली। आगे देखिए ए ड्राइवर एंड डोंट नो हाउ टू ड्राइव, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ए ड्राइवर एंड डोंट नो हाउ टू ड्राइव, एक ड्राइवर और उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो इनको जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे इट इज़ स्ट्रेंज एंड इट इज़ शॉकिंग से, तो ये हो जाएगा इट इज़ स्ट्रेंज या इट इज़ शॉकिंग दैट ए ड्राइवर शुड नॉट नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं ए टीचर एंड अफ्रेड ऑफ टीचिंग, एक टीचर और ऑफ टीचिंग से डरता है, तो ये हो जाएगा इट इज़ स्ट्रेंज या इट इज़ शॉकिंग दैट ए टीचर शुड अफ्रेड ऑफ टीचिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में हमें बहुत देखने को मिलते हैं जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और इनको हम जब असर्टिव चेंज करते हैं तो इट इज़ स्ट्रेंज इट इज़ शॉकिंग और उसके बाद दैट लगाते हैं, उसके बाद जिनके बारे में जिक्र किया गया है वो लगाते हैं, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ड्राइवर का जिक्र था, नीचे वाले में टीचर का, और फिर शुड लगाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ से शुरू होते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, फिर ऑफ होता है, फिर नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर टू इन्फिनेटिव फ्रेज होती है, जैसे नाउन प्रोनाउन। ठीक है, ये तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो सेंटेंस हाउ से शुरू हो उसके बाद एडजेक्टिव मिले, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो, उसके बाद टू इन्फिनिटिव फ्रेज हो, तो उसको जब असर्टिव बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, ये जो नाउन प्रोनाउन है यहाँ पे
ये जो नाउन एंड प्रोनाउन है ना, ये नाउन एंड प्रोनाउन हम लगा देंगे शुरू में यहाँ पे। उसके बाद बी की कोई फॉर्म लगाएंगे इज एम आर वाज वर। उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव कौन सा, ये एडजेक्टिव। उसके बाद इनफ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी, ठीक है, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी। तो देखिए यहाँ पे ये हाउ हो गया, उसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद ये ऑफ हो गया, उसके बाद ये नाउन या प्रोनाउन हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। उसके बाद टू बिलीव, टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। तो जब इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज फुलिश इनफ टू बिलीव मी, ठीक है, ही वॉज फुलिश इनफ टू बिलीव मी। देखिए सबसे पहले हमने नाउन या प्रोनाउन लगाया, तो नाउन या प्रोनाउन क्या लगाया, देखिए इसको हमने लगाया यहाँ पे, तो ये हमने इसको जो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं तो सब्जेक्टिव बनेगा। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही। उसके बाद बी की फॉर्म लगानी है, तो वाज एवर में से लगाना है, ज़्यादातर वाज एवर ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाज लगाया, उसके बाद ये एडजेक्टिव लगाया फुलिश, और उसके बाद इनफ लगाया, उसके बाद टू इन्फिनिटिव फ्रेज जो की थी वो लगा दी। एक और सेंटेंस देखिए, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, तो ये हो जाएगा ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। आगे देखिए टू थिंक ऑफ, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो थिंक ऑफ से शुरू होते हैं, टू थिंक ऑफ, उसके बाद कोई पॉजिटिव होता है, फिर जीरंड होता है, और उनको जब हम असर्टिव बनाते हैं तो ऐसे चेंज करते हैं, इट इज़ स्ट्रेंज दैट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद शुड। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखिए टू थिंक ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम, टू थिंक ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम, देखिए इट इज़ स्ट्रेंज दैट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे है, ये इससे बनेगा, जो ये बनेगा ना, ये बनेगा नाउन, ये इससे बनेगा, देखिए इससे। तो सबसे पहले हमने लगाया इट इज़ स्ट्रेंज, उसके बाद दैट लगाया, ठीक है, जैसे ये दैट समझा रखा है ना, ये दैट लगाया, उसके बाद नाउन प्रोनाउन लगाया। नाउन प्रोनाउन क्या लगेगा, अगर नाउन होता तो सीधा नाउन लगा देते, लेकिन प्रोनाउन है तो हम इसका हर का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, दैट क्लास का सब्जेक्ट है ना ये, तो सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। उसके बाद शुड लगेगा, और शुड के बाद जो बच गया सेंटेंस, उसके बाद वर्ब बच गई, तो ये वर्ब तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, कमिंग की कम हो जाएगी, और फिर आगे का सेंटेंस है ऑन टाइम, ये लिख देंगे। ये देखिए टू थिंक ऑफ ही इज गिविंग अप स्मोकिंग, तो देखिए इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इट इज़ स्ट्रेंज से शुरू करेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद दैट के बाद हम जो सब्जेक्ट लगाएंगे, एक सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ऑफ के बाद जो ये पोजीशन है ना, इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो हीज का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही बन जाएगा, और ही के बाद में शुड लगाएंगे, शुड के बाद में आगे की जो वर्ब है, आगे की वर्ब कहाँ से मिलेगी, ये जो वर्ब है ना इसकी बनेगी, तो यहाँ से जैसे कमिंग की कम बनाई थी, तो यहाँ पे गिविंग की क्यू अप बनाएंगे, और उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस है वो लिख देंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अलास से शुरू होते हैं, ठीक है, अलास से शुरू होते हैं, आह से शुरू होते हैं, तो उनको जब हम चेंज करते हैं एसर्टिव में तो वो चेंज हो जाते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली से, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट, यहाँ पे सैड छपा हुआ है तो इसको सैड है ये, इसको सैड मान के चले, एस ए डी, सैड मीन्स उदास। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, अलास माई मदर इज़ नो मोर, जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो देखिए कैसे चेंज होगा, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट माई मदर इज़ नो मोर, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे, तो ये जो इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट, ये जो पार्ट है ये हमने किसका बनाया, इस अलास का, ठीक है, अलास की जगह हमने लिखा इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट, ठीक है, उसके बाद हमने जो बच गया वो लास्ट में लिख दिया, माई मदर इज़ नो मोर। आगे देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हुर्रा से शुरू होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आहा से शुरू होते हैं, तो ये हुर्रा आहा ये जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस देखिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो जब हुर्रा से शुरू होते हैं तो हम इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट ये यूज़ करते हैं, तो इस सेंटेंस में हुर्रा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक है, ये यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो सेंटेंस बच गया वो लिख देंगे, तो वी हैव वन द मैच बच गया, तो वी हैव वन द मैच लिख दिया। ऐसे आगे देखिए, आहा पापा हैज़ कम, तो आहा की जगह हमने लिखा इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, और उसके बाद पापा हैज़ कम बच गया था, वो पापा हैज़ कम लास्ट में लिख दिया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ब्रेवो से शुरू होते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंस ब्रेवो से शुरू होते हैं, तो ब्रेवो के से शुरू होने वाले सेंटेंस की जब असर्टिव बनाते हैं तो वो सेंटेंस हम जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको शुरू करते हैं, इट इज़ अ मैटर, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, यहाँ पे ऑफ भी है, देखिए
यहाँ पे ऑफ थोड़ा सा मैं भूल गया, तो यहाँ पे ऑफ है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ये हो जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ब्रेवो की जगह हमने लिखा इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, और उसके बाद यू हैव डन वेल ऊपर जो था वो बच गया था, वो नीचे हमने लिख दिया दैट के बाद। तो सिर्फ हमने ब्रेवो की जगह इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट ये लिखा, और उसके बाद जो बच गया है यू हैव डन वेल बच गया ना, तो उसको हम दैट के बाद लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। कुछ सेंटेंस फाइव फाइव से शुरू होते हैं, फाइव फाइव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, अर्थात फाइव फाइव के बाद में एक सेंटेंस होता है। तो इसको जब हम असर्टिव बनाते हैं तो ये चेंज हो जाता है, इट ये जो चेंज करते हैं हम असर्टिव, तो ये शुरू होता है इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम दैट यहाँ से। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। फाइव फाइव ही हैज़ किल्ड हिज ओन ब्रदर, तो फाइव फाइव की जब हम लिख देंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम दैट, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम दैट यहाँ तक लिख दिया। ये किसकी जगह लिखा हमने, फाइव फाइव की जगह। उसके बाद जो बच गया वो हम दैट के बाद लिख देंगे, अर्थात बच क्या गया, ही हैज़ किल्ड हिज ओन ब्रदर, तो वो हम दैट के बाद लिख देंगे दैट ही हैज़ किल्ड हिज ओन ब्रदर। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जैसे वेल डन, वेल बॉट, वेल फॉट, ठीक है, तो इस तरह से। तो वेल डन इसको चेंज कर देंगे यू हैव डन वेल में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बना देंगे यू हैव डन वेल। और कुछ प्ले, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे वेल प्लेड, ठीक है, ये सेंटेंस भी होता है वेल प्लेड, तो इसको भी ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे यू हैव प्लेड वेल। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस, कुछ और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें हम कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में, मीनिंग में चेंज किए बगैर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।